मानव अधिकार फोरम की ब्लॉक स्तरीय बैठक संपन्न। कमासिन मानव अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों हनन हो रहा उसी रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र बैठक कर समस्या निदान हमारे संगठन के सभी लोग करेंगे। जिन गरीब लोगों के मुकदमे चल रहे उनके पास पैसे नहीं, उनके लिए निःशुल्क सहयोग किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकिशोर प्रजापति, प्रदेश सचिव भैरव प्रसाद गुप्त, सलाहकार विदित रत्नेश द्विवेदी एडवोकेट, मनोज द्विवेदी मंडल, रीता नामदेव महिला जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता। आज की बैठक के विषय में क्या कहना चाहिए, किस विषय पे बैठक हुई? मानव अधिकार फोरम की मीटिंग ये ब्लॉक स्तर में करवाई जा रही है कि ग्रामीण स्तर में हो रहे मानव अधिकारों का हनन, गरीब असहाय मजलूम जो अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए ये मानव अधिकार फोरम ग्रामीण स्तर पर अपनी इकाई गठित करेगी। ग्रामीण स्तर में हो रहे लोगों के अधिकारों के हनन को रोकने के ये अपने संगठन के लोगों को लगाकर उनके अधिकारों को दिलाया जाए। किसी प्रकार की गरीब असहाय जो पैसे के अभाव में कोर्ट के में नहीं जा सकते हैं, ये उस मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं। हमारा संगठन, हमारे जो एडवोकेट लीगल एडवाइजर ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य ऐसे गरीब असहायों को जो पैसे के अभाव में उनको न्यायालय से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पर हमारे मानव अधिकार फोरम के विधि सलाहकार उनकी निःशुल्क पैरवी करेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम। आज हमारे कमासन ब्लॉक में राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार फोरम श्री महेश कुमार श्रीवास्तव जी के सानिध्य में बैठक संपन्न हुई जो है, और इसमें मानवाधिकारों के क्या क्या अधिकार हैं, समाज में हो रही बुराइयों को कैसे दूर करने का प्रयास किया जाए, ये टीम उस क्षेत्र में काम कर रही है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, शोषण, गरीबों के प्रति जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी टीम खड़ी रहती है, और जिले में टीम हमारी ब्लॉक स्तर में, तहसील में, हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रही है और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का कार्य कर रही है। जिला विधिक सलाहकार रत्नेश